दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में भी हम लोग ऐसे 6-7 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मैं RSI के बेसिस पर ट्रेड लूँगा इसमें, तो मुझे ये जो 6-7 स्टॉक्स दिख रहे हैं मैं इनको वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहला देखिए जो स्टॉक है वो है हमारा टाटा केमिकल का। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो RSI काफ़ी लो लेवल पर है, यानी कि 35.84 के लेवल पर था ये। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा उठा हुआ है, ठीक है, एक दो दिन में इसमें थोड़ी सी ग्रोथ दिखी है, तो काफ़ी अच्छा बाइंग लेवल है मेरे हिसाब से ये। ठीक है, यहाँ पे हमें 6-7%, 8%, 10% का एक गेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको देखें तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो 8% का गेन हमें दिख रहा है यहाँ पे। ये शॉर्ट टर्म गेन है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, इस तरह से ये गेन आपको मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा रिटर्न हो। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि एक साथ बहुत लंबा रिटर्न हमें मिल जाए, बट उससे अच्छा है कि छोटा छोटा रिटर्न अगर आप ओवर अ पीरियड अक्यूमुलेट करते हैं तो वो कंपाउंड होकर और अच्छे रिटर्न देता है। ठीक है, तो दूसरा स्टॉक अगर हम देखते हैं तो दूसरा हमारा जो स्टॉक है वो है टेगा इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो RSI काफ़ी अच्छे लेवल पर आ गया है, 41 पे दिख रहा है। ठीक है, और जो सपोर्ट वगैरह, और यहाँ पे जो सपोर्ट की बात करें, ट्रेंड लाइन की बात करें, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आ चुका है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा इसको ऊपर की तरफ जाने की संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है, तो इस स्टॉक में मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सभी स्टॉक्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब में मैं आज इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है कृष्णा फॉस्केम का। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे एक अच्छा बाइंग लेवल नज़र आ रहा है। स्टॉक देखिए एक रेंज बाउंड मैनर में मूव कर रहा था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 दिन से इसी के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है, क्योंकि RSI इसका काफ़ी कम क्या 40 पे है मान लीजिए, तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, उसके ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है एफले इंडिया। ठीक है, एफले इंडिया अगर आप देखेंगे तो वैसे तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, बट मेरे हिसाब से इसका जो RSI है वो काफ़ी लो लेवल पे है, यानी कि 30 के आसपास का RSI है इसका। तो मुझे एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है कि इसमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देखिए, ऐसे अगर हम लोग पीछे की तरफ भी जाएं स्टॉक में, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ पे गिर गया, काफ़ी नीचे आ गया, RSI इसका एकदम नीचे आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने बाई किया, फिर देखिए कुछ ही दिन में स्टॉक काफ़ी तेज़ी से चढ़ गया, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल गया। अब अगर रिटर्न भी की बात करें तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से कुछ ही दिन में हमें लगभग 14 दिनों में हमें 23%, 20% रिटर्न मिल गया। देखिए, स्टॉक्स इसी तरह मूव करते हैं, हमें सही टाइम पे खरीदना है, सही टाइम पे बेचना है। ठीक है, तो अच्छा स्टॉक हो, ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं, क्योंकि देखिए सब निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 250, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, इन सब के स्टॉक्स हैं, तो सब अच्छी कंपनीज हैं, सब ओवरऑल स्टेबल कंपनीज हैं। ठीक है, तो मुझे इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है KEC इंटरनेशनल। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सेम सिचुएशन थोड़ी सी है कि इसका जो RSI है वो 43 के आसपास दिख रहा है, तो मुझे भी यहाँ पे भी एक अच्छा बाइंग लेवल दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है ये स्टॉक नीचे की तरफ आए, बट फिर ये एक अपटर्न लेगा और काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाएगा इसमें। कि वही देखिए, शॉर्ट टर्म अगर गेन की बात करें तो छोटे टर्म में 7%, 5%, 10% का गेन एक काफ़ी अच्छा गेन होता है। अगर इतना गेन आप 5-10 दिन में, हफ्ते भर में, महीने भर में बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है ये, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा लिंडे इंडिया। इसमें भी हम देखते हैं तो एक ट्रेंड सपोर्ट लाइन बन रही है। यहाँ पे जो हमारा स्टॉक है वो अराउंड 43-44 के आसपास इसका RSI है ना। तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा बाइंग लेवल दिख रहा है, तो मैं इस स्टॉक में बायर हूँ इस समय। आप भी अपने हिसाब से इस स्टॉक को एनालाइज करके, रिसर्च करके देख सकते हैं कि क्या इसी बाइंग लेवल्स पर है या नहीं है, और अगर आपको कुछ और भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं अपने ओपिनियन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। अब ओरिएंट इलेक्ट्रिक अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी टाइम से एक रेंज बाउंड मैंने मूव कर रहा था, उसके बाद एक काफ़ी शार्पली नीचे आया है। ठीक है, तो शार्पली नीचे आया है, तो यहाँ पे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि अब काफ़ी नीचे आ गया है, तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए लिंगर ऑन करें, बट शॉर्ट टर्म में या फिर थोड़ा 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2 महीने में ये एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है ऊपर की तरफ, और अच्छा मूवमेंट देगा तो काफ़ी अपमूव अच्छा देखने को मिल सकता है इसमें। तो आज के मेरे ये 5-6 स्टॉक्स थे, आपके टोटल 7 स्टॉक्स है ना, 7 स्टॉक्स है, तो 7 स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आप अपनी ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो, स्टॉक्स अगर आपको लग रहे हैं कि वास्तव में इन स्टॉक्स में पोटेंशियल है, अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।